Dear students, Aslamu Alaikum, as you have learned so far, that our vendor is the one who is going to supply us with his goods as well as services. Jessica Abjante vendor B is important customer. Reason being we are providing services and goods to our customers and are dependent on our vendors, that they also supply us. देयर सर्विसज़ एंड गुड्स इन अ टाइमली फैशन अगर वो हमें वक्त पे माल नहीं देंगे तो हम अपने कस्टमर्स को सप्लाई नहीं कर पाएंगे दोनों चीज़ें उनकी सर्विसेज भी और उनकी गुड्स भी मिसाल बड़ी आसान है अगर आप किसी आर्किटेक्ट को किसी अपने क्लाइंट से मिलवाना ले ले कर जाना चाह रहे हैं और आर्किटेक्ट अवेलेबल नहीं है अपनी सर्विस दे नहीं पा रहा आ नहीं सकता तो उसमें आपका सबसे ज़्यादा नुकसान है क्योंकि यू आर द वन हु इज़ प्रोवाइडिंग द सर्विस टू योर क्लाइंट इसी तरह से सीमेंट जो कि हमें ताज़ा या रेत बजरी ये तमाम हमें फ़ौरी तौर पर चाहिए होता है ये नहीं होता कि हम पहले ही से ला के ये सारी चीज़ें डंप कर दें क्यों ख़राब होने का ख़तरा होता है इसीलिए हमें वक्त पे ये तमाम चीज़ें दरकार होती हैं ये स्टोर करके ख़राब नहीं की जाती और अगर आपको वक्त पे चीज़ ना मिले तो नुकसान आपका होता है सबसे ज़्यादा क्योंकि आप अपने कस्टमर को ये सारी चीज़ें दे रहे हैं सो वेंडर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बिजनेस बिकॉज यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर वेंडर फॉर योर सप्लाईज़ एज वेल एज़ योर सर्विसेज और हम उसको भी उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे कि एक कस्टमर को क्यों क्योंकि हम उसको खुश रखना चाहते हैं और उसको बर वक्त उसकी पैसों की अदायगी कर देना चाहते हैं ताकि किसी ख़सम की बाद में डिसरप्शन ना आए और इसीलिए हम वेंडर का रिकॉर्ड भी अपने पास रखते हैं ज़रूरी नहीं कि वेंडर को उसी वक्त पेमेंट कर दें जब हम उससे कोई सर्विस या कोई चीज़ लें और हम उससे निगोशिएट कर लेते हैं जब भी हम अपने किसी कस्टमर के साथ नगोशिएट करते हैं तो हम बैक टू बैक अग्रीमेंट अपने वेंडर के साथ भी कर लेते हैं कि जैसे जैसे हमें पेमेंट आती जाएगी हम तुम्हें पेमेंट करते जाएंगे और आम तौर पे तमाम वेंडर ये बात समझते भी हैं क्योंकि यही बिज़नेस का असूल है और आपकी बात बड़ा आसानी मान जाते हैं लेकिन हमें रिकॉर्ड रखना होता है कि हमने अपने वेंडर्स को कितने पैसे देने हैं और वो भी हमें बर वक्त अपने बिल या इन्वाइस भेजता रहता है जिसे हमें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना ज़रूरी है और क्योंकि हमारे पास क्विक बुक सिस्टम मौजूद है तो यकीनन हमें ये सारी रिकॉर्डिंग क्विक बुक्स में करनी चाहिए ताकि हमें बर वक्त पता हो कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमें अपने वेंडर्स को कितने पैसे देने किस किस वेंडर्स को पैसे देने का वक्त आ गया है और किस किन वेंडर्स को पैसे देने का वक्त करीब है ताकि हम वो फंड्स जो हमें चाहिए होंगे पेमेंट के लिए उनकी अरेंजमेंट कर लें आइए देखते हैं कि हम क्विक बुक्स में एक वेंडर को किस तरह से क्रिएट करते हैं क्विक बुक्स में आप देख सकते हैं कि जब भी हम होम पेज पे आएंगे तो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने खुली भी होगी भले आप वेंडर सेंटर अपने होम पेज से जाएं, भले ऊपर वाले बटन से जाएं, आइए देखते हैं इस दफ़ा बटन से जाके जैसे ही हम ऊपर आए हमारे पास कंप्लीट वेंडर लिस्ट जो हमने पहले से बनाई हुई है और जो भी हम वेंडर सिलेक्ट करते हैं उसकी तमाम ट्रांज़ेक्शन हिस्ट्री हमारे सामने खुल जाती है अब हम एक नया वेंडर क्रिएट करना चाह रहे हैं उसके लिए हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि वो वेंडर हम रजिस्टर कर सकें तरीकेकार ये होता है कि आमतौर पे वेंडर अपनी इन्फॉर्मेशन ख़ुद हमें दे जाते हैं कोटेशन की सूरत में या अपने कार्ड की सूरत में या किसी एस्टिमेट की सूरत में जो रिटर्न फॉर्म में हमारे पास मौजूद होता है इफ़ वी अप्रूव हमारे ख्याल में हम इस वेंडर के साथ काम करने के लिए तैयार हैं तो हम उसकी रजिस्ट्रेशन अपने सिस्टम में ज़रूर कर लेते हैं अगर ये सिस्टम नहीं भी होता तब भी हम कहीं ना कहीं उसका रजिस्टर ज़रूर मेंटेन करते उसकी फाइल जरूर मेंटेन करते और उस सारी दी गई इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं रिकॉर्ड ज़रूर करते जिस तरह से हम मैन्युअली ये काम करते उसी तरह से हमने ये काम अब हम कंप्यूटर पे क्विक बुक्स पे करेंगे सिंपल ऑल यू हैव टू डू इज़ क्लिक ऑन न्यू वेंडर्स एंड द ड्रॉप डाउन विल शो यू न्यू वेंटर और मल्टीपल वेंडर्स वी विल चूज अ न्यू वेंडर द मोमेंट वी चूज़ अ न्यू वेंडर स्क्रीन विल अपीयर ये जो स्क्रीन आई है उसकी इन्फॉर्मेशन जितनी आप दे सकते हैं और ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी आपने अपनी तरफ से नहीं कोई चीज़ ऐद करनी जैसे कि मैंने आपको बताया आपके पास कागजात आए हुए हैं वेंडर से आपने वहीं से देख के इसको रजिस्टर करना है नाम हम अपने वेंडर का रख लेते हैं सीमेंट सप्लायर जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास सामने नजर आ रही है उसमें से जो आपके पास मौजूद है वो आप ज़रूर डालें क्यों ताकि जब भी आपको इसको कॉन्टैक्ट करना हो तो आपके पास ये इन्फॉमेशन मौजूद हो बिल्कुल आपके किसी भी एड्रेस बुक की तरह नेक्स्ट पेमेंट सेटिंग एड्रेस इन्फॉर्मेशन के बाद जब आप पेमेंट सेटिंग पे आएंगे तो आपको ये पता होगा कि हमने अपने कस्टमर के तरह इस वेंडर के साथ क्या टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज की है फॉर पेमेंट टू हिम जब हम कस्टमर के साथ ये टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज करते हैं तो उसका मतलब है कि कस्टमर ये क्लाइंट हमें किस तरह से पेमेंट करेगा इन दिस केस वी आर डूइंगइजिंग द टर्म्स एंड कंडीशन एट विच वी आर गोइंग टू पे आर वेंडर्स यानी कि हम लोग अपने वेंडर को किस तरह से पे ऑफ करेंगे किस तरह से उसको पैसे देंगे उसकी गुड्स या सर्विसेज के एवज इसमें आपने ये देख सकते हैं कि पेमेंट टर्म्स जरूर लिखनी है जो भी आपने और आपके वेंडर ने फाइनलाइज की है दीज सेम पेमेंट टर्म्स आर गोइंग टू बी विथ योर वेंडर एज वेल बिकॉज वी आर गोइंग इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं और उसके ऊपर हमने ये इंफॉर्मेशन देनी है कि हमने अपने वेंडर को किस तरीके से पे करना है क्रेडिट लिमिट हमें भी पता होना चाहिए कि कितना माल हम क्रेडिट पे उससे ले सकते हैं क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा काम है तो हम उससे कोई दस लाख का माल क्रेडिट पे ले सकते हैं यहाँ आप अपना अकाउंट नंबर भी दे सकते हैं अब हमारे पास पेमेंट की सेटिंग और टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर हैं हमने तीस दिन के अंदर अंदर अपने वेंडर की तमाम पेमेंट करनी है फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विसेज और गुड्स टू द टाइम ऑफ पेमेंट वी हैव थर्टी डेज तीस दिन के अंदर अंदर जब हमने उसकी सर्विसेज या कोई माल लिया है और तीस दिन के अंदर हमने उसको उसकी पेमेंट करनी है ये टर्म्स एंड कंडीशन हमने उसके साथ फाइनलाइज की है और वही हमने क्विक बुक्स में रिकॉर्ड कर ली है टैक्स की सेटिंग बहुत से लोग फेडरल टैक्स या प्रोवेंशल टैक्स काटते हैं और ख़ुद जाके जमा करवाते हैं ट्रेजरी में अगर उसका कोई टैक्स आईडी है तो हम अगेंस्ट दैट आई उसका टैक्स गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा कराएंगे आमतौर तौर पर जितने भी वेंडर्स होते हैं भले वो सप्लायर्स हों ऑफ सर्विसेज और गुड्स उनका एक टैक्स नंबर होता है जो भी उनका टैक्स नंबर होगा वो आप ज़रूर रिकॉर्ड करें जैसे ही आप अपने वेंडर को रिकॉर्ड कर रहे हैं साथ साथ ही आपको ये रिकॉर्ड कर लेना चाहिए कि जब भी हमारे साथ इसकी कोई ट्रांजेक्शन होगी तो हमारे पास कौन सा एक्सपेंस का कोड हिट होगा अब इसका मतलब ज़रा समझ लें हम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कोशिश ये कर रहे हैं बल्कि कोशिश नहीं हम रजिस्टर करना चाह रहे हैं कि अगेंस्ट विच चार्ट ऑफ अकाउंट कोड विल हिस ट्रांजेक्शन बी रजिस्टर्ड जब भी ये ट्रांजेक्शन होगी तो हमें बार बार ये बताना नहीं पड़ेगा कि किस एक्सपेंस हेड को आपने हिट करना है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इस वेंडर के साथ ही हम एक कोड एसोसिएट कर देते हैं आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारे कोड्स हमारे पास मौजूद हैं जो सारे के सारे एक्सपेंस कोड्स हैं लेकिन आपको पता होगा कि ये जो हमारा कस्टमर है ये हमें जो मटेरियल बेच रहा है वो वो मटेरियल है जो कि हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं और जो मटेरियल हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं उसको हम हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अकाउंट फॉर करते हैं अब हमने इसका मटेरियल यहाँ सेलेक्ट कर लिया फाइनली एडिशनल इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम वेंडर की टाइप देते हैं ये जो वेंडर है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा मटेरियल का सप्लायर है अगर आप ये लिस्ट देखें तो हमारे पास कंसलटेंट भी है इक्विपमेंट लिखा हुआ इक्विपमेंट वाले कौन होते हैं इक्विपमेंट वाले वो होते हैं जो हमें इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं बिल्डिंग में कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है मिक्सिंग मशीन ट्रॉलीज़ और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो दूसरा कोई ना कोई सप्लायर हमें किराए पे देता है वो हम इक्विपमेंट में डालते हैं इसके अलावा सब कॉन्ट्रैक्टर्स सप्लायर्स टैक्स एजेंसीज़ और यूटिलिटी ये बहुत सारे हेड्स हैं लेकिन हमारा क्योंकि सीमेंट का सप्लायर है इसलिए हमें जो कोर्ट सेलेक्ट करना है दैट इज़ मटेरियल्स। एक और चीज़ फाइनली जब भी हम सारी इंफॉर्मेशन लिख दें तो उसकी एड्रेस लिखना ना भूलिएगा यह उसका बिलिंग एड्रेस भी है और अगर आपने इसी एड्रेस से ही सप्लाई आ रही है तो हम इसको कॉपी कर सकते हैं नाउ वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी नीड अगेंस्ट दैट सप्लायर जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन डालने ऑल यू हैव टू डू इस क्लिक ओके अब आप ये देख सकते हैं कि जो हमने इन्फॉर्मेशन डाली थी वो सारी की सारी आपकी इन्फॉर्मेशन पेन में अगेंस्ट द सेलेक्टेड सीमेंट सप्लायर इज़ अवेलेबल नाम किस टाइप का वेंडर है फ़ोन नंबर क्या है कौन सी टाइप का हमारा और उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन आर अवेलेबल एंड ऑल्सो हिज एड्रेस अभी ये नया हमारा वेंडर बना है तो इसकी ट्रांजेक्शन्स अवेलेबल नहीं होंगी जैसे जैसे इसके साथ ट्रांजेक्शन होती जाएंगी हमारे पास ट्रांजैक्शंस भी अवेलेबल होती चली जाएगी आइए हम एक ट्रांजेक्शन डाल के भी देख लेते हैं जैसे ही हमने वो ट्रांजेक्शन डाली ना यू कैन सी दैट देर इज अ ट्रांजेक्शन अपीयरिंग अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर वेंडर सो दिस इज़ नाउ अ कंप्लीट सेटअप ऑफ हाउ टू गो अबाउट रजिस्टरिंग योर वेंडर इन द कस्टमर सेंटर नाउ वी नो वेयर द इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल हाउ टू गेट टू दैट इन्फॉर्मेशन एंड हाउ टू यूज़ इट एंड हाउ टू गैट एंड हाउ टू एड इंफॉर्मेशन टू इट थ्रू ट्रांजेक्शन्स अब हमें पता चल गया है कि हमें मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन करने के लिए इधर उधर कहीं नहीं घूमना हमने सिर्फ उस वेंडर के ऊपर आना है और सारी ट्रांजेक्शन उसी में एड करते चले जाने अगर हमने इंफॉर्मेशन देखनी है तो हमने उसी कस्टमर सेंटर पर आना है सेलेक्ट करना है वो कस्टमर एवरी इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल दैट्स ऑल फॉर टुडे